बड़वानी जिले में जनजाति सुरक्षा मंच के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। मंच ने ईसाई धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण नहीं दिए जाने की मांग की है। बड़वानी जनजाति सुरक्षा मंच के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर एसडीएम को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग जनजातीय धर्म परंपरा हिंदू संस्कृति अपने रीति रिवाज को छोड़ चुके हैं और ईसाई धर्म अपना चुके हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। आरक्षण इन लोगों को हिंदू होने के कारण मिल रहा है, ना कि ईसाई होने के कारण। एसडीएम घनश्याम धनगर ने कहा कि जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि धर्मांतरण के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा धर्मांतरण किए हुए व्यक्तियों को आरक्षण नहीं देने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। सर क्या किया गया है इसको? है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को दिया गया है, तो वहां तक पहुंचाया जाएगा। क्या मांगे थे आप लोगों की? जी, जो धर्मांतरित जनजातियां है वो अपना धर्म बदल कर ईसाई धर्म अपना लिया है, जो कि जनजातियों का धर्म परंपरा हिंदू संस्कृति एवं जो रीति रिवाज है और अपने पूर्वजों को मानते हैं, ऐसे उन्होंने सब धर्म को छोड़ दिया और ईसाई धर्म अपना लिया है। इस कारण से उनको जो जनजाति समाज का आरक्षण है वो उनका समाप्त करना चाहिए, यही हमारी मांग है। पूर्व में भी ज्ञापन दिया था, हस्ताक्षर अभियान किया गया था, सभी जिले में किए थे भारत देश के, और बड़वानी जिले में भी ज्ञापन दिया गया था। कभी मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या करूंगे? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई है तो भविष्य में हम ग्राम स्तर और तहसील केंद्र तक ज्ञापन देंगे, रैलियां निकालेंगे और हमारी मांग पूरी करवाएंगे। और हिंदू को ही जनजाति का लाभ मिलता है और आरक्षण का लाभ हिंदू के कारण उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, न कि ईसाई होने के कारण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।